हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर नोल पटेल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और क्लिनिक रायगढ़ छत्तीसगढ़। आज इस वीडियोस में मैं ये बात करने वाला हूँ कि एक ऐसा मॉइस्चराइजिंग क्रीम और लोशन के बारे में जिसको इटसेल्फ मैं भी मेरे काफ़ी सारे पेशेंट लोगों को रिकमेंड करता हूँ। और क्यों इसको मैंने रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि देखिए जिसका नाम है डर्मा ड्यू एलो लोशन। ये लोशन और क्रीम दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल होता है। इसमें एलोवेरा होता है, ग्लिसरीन होता है। ये कंटेंट ड्राई स्किन वालों के लिए या जब हम पीलिंग करते हैं या कोई प्रोसीजर करते हैं उनके बाद में मैं इनको देता हूँ। ठंडियों में तो इसको हम काफ़ी ज़्यादा लिखते हैं, इसलिए भी लिखते हैं क्योंकि ये काफ़ी समय से हम लिख रहे हैं और इससे स्किन काफ़ी अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है। एक्सेप्ट कुछ ऐसे कंडीशन जिनका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, पिंपल बहुत ज़्यादा बनते हैं, पिंपल वाली स्किन जो बनते हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी स्किन कंडीशन वालों के लिए एक काफ़ी अच्छी क्रीम है जो एक HNH फार्मा कंपनी का है, अच्छा प्रोडक्ट है। अब आइए इसके बारे में देखते हैं कि बेसिकली इसमें ज़्यादा ऐसे क्या क्या कंटेंट होते हैं कि जो हमारे स्किन के लिए फ़ायदेमंद है। डर्मा ड्यू एलो क्रीम में एलोवेरा जेल 10% वेट बाई वेट, मतलब 10% एलोवेरा जेल होता है, 10% ग्लिसरीन होता है और साथ में डाइमेथिकोन और हाइड्रोजिनेटेड पॉलीडिकेन होता है। देखिए इन सब चीज़ों का पर्पज़ क्या होता है। एलोवेरा को जैसे आप नॉर्मली जान रहे हैं कि एलोवेरा जेल जो होता है स्किन को मॉइस्चर करने में। ग्लिसरीन का पर्पज़ क्या होता है, ग्लिसरीन का जो पर्पज़ होता है जो पानी को एक तरह से रोकता है मान के चलिए। डाइमेथिकॉन भी एक तरह का मॉइस्चर देता है, मतलब स्मूथनिंग करता है। डाइमेथिकॉन थोड़ा सॉफ्टनेस स्मूथ कराता है। तो ये जो इस टाइप के जो इसमें कंटेंट हैं आप देख रहे होंगे, ये कंटेंट हमारी स्किन को नमी के साथ में हमारे स्किन से जो वाटर लॉस होता है उस वाटर लॉस को भी रोकते हैं और स्किन में जो छोटे 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 जो सेल्स हैं उन सेल्स को भी अच्छा करने में हेल्पफुल होते हैं। जब भी हम स्किन में ड्राइनेस होता है, गलत क्रीम लगा लिए रहते हैं उसके बाद रिएक्शन हो जाता है, पोस्ट पीलिंग, पोस्ट लेज़र, इन चीज़ों में डर्मा ड्यू एलो लोशन या क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा क्रीम है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, यूज़ करने से आपको ठीक भी लगेगा। आप यूज़ करके देख सकते हैं, आपको जैसा भी लगे मेरे को कमेंट करके ज़रूर भी बताएं कि आपके स्किन के लायक कैसा सूट किया। हाँ, कोई भी क्रीम से कभी भी किसी को सेंसिटिविटी या रिएक्शन हो सकता है। अगर ऐसे स्किन कंडीशन वाले इसको तुरंत बंद कर दें और आप नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अधिक जानकारी चाहिए इस टाइप के लोशन क्रीम के बारे में तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। समय मिलने पर उसमें मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को हिट करें।